सिंदेवाही वन परिक्षेत्र के जंगल परिसर में बाघ के हमले का चरवाहा ने सामना किया, जिससे बाघ जंगल में भागने को मजबूर हुआ। घायल अवस्था में चरवाहे का इलाज चल रहा है। सिंदेवाही वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जंगल परिसर में बाघों का विचरण होते रहता है और बाघ तेंदुए ने इसके पहले इस परिसर में अपना आतंक दिखा चुके हैं, जिसके कारण यहाँ के जंगल एवं खेती परिसर में बाघ की दहशत हमेशा रहती है। नवेगांव लोनखेरी का चरवाहा रामदास आत्राम उम्र 55 वर्ष यह हमेशा की तरह जंगल परिसर में अपने जानवर चराने के लिए गया था। उसी दरमियान वहाँ पर पहले से ही घात लगाए बैठा बाघ ने अचानक उस पर हमला किया और उसने हिम्मत न हारते हुए उसके पास जो लकड़ी मौजूद थी उससे बाघ का प्रतिकार किया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके साथ में जो साथी मौजूद था वह भी चिल्लाना शुरू किया। आवाज सुनकर वहां से बाघ भाग गया और यह घटना दोपहर के 1 बजे के आसपास घटी। जब वन विभाग को इसकी जानकारी मिली तो वन विभाग ने इस चरवाहे को जख्मी हालत में सिंदेवाही के ग्रामीण रुग्णालय में भर्ती किया तथा उसका प्राथमिक उपचार किया गया। फिर उसे वहां से जख्मी हालत में चंद्रपुर के रुग्णालय में लाया गया है, जहां पर उसका इलाज समाचार लिखे जाने तक शुरू है। सीटीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि अमर बुद्धार्पर की रिपोर्ट।